अच्छा मैम आज जो हमारा टॉपिक है वेमेन एम्पावरमेंट हम लोग बहुत सारे टीवी शोज पे बहुत सारी जगहों पे इस टॉपिक को देखते हैं कि डिस्कस होता है तो आपकी नज़र में पहली बात तो वेमेन एम्पावरमेंट है क्या सो so, मेरे लिए ये एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड पर्टिकुलरली टू पर्टर वुमेन हर किसी की डेफिनेशन अपनी है फॉर mm एग्जाम्पल -hmm. जो मेरे लिए वेमेन एम्पावरमेंट है हो सकता है वो किसी और एक थर की औरत के लिए वो वेमेन एम्पावरमेंट वेमेन एम्पावरमेंट ना हो सो आई थिंक मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ सो हैंग एक्सेस टू द रट्स विच वन शुड हैव एंड एक्चुअल राइट दैट इज बेसिकली एम्पावरिंग दुमन इन दैट सर्टन सेटिंग ऑफ द सोसाइटी और जिसमें वो फ्लरिश कर सके दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट देट इज़ कॉल्ड वेमन एम्पावरमेंट आई गेस अगर हम वेमेन एम्पावरमेंट में बेसिक जैसे हम कह रहे हैं ना कि बेसिक राइट्स हों तो उसमें एजुकेशन है फैमिली mm -hmm. uh, में जो हम प्रॉपर्टी की राइट्स की बात करते हैं कि जब बेटियों को जायदाद में हिस्सा वगैरह नहीं मिलता तो अगर हम uh, थोड़ा इस तरफ ना चाहते हुए हम एजुकेशन की बात करें तो हम कैसे एजुकेशन फील्ड को uh, लड़कियों के लिए आसान मनासर क्योंकि हम कुछ रिमोट एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर आज भी ये चीज़ कॉमन ही नहीं है उनके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा पढ़ा करो बच्ची को और घर के घर घरस्थ सिखा दें और उसकी शादी कर दें देखें अगेन uh, वो भी एक पॉइंट uh, ये आता है कि क्या वो जो वेमेन के राइट्स हैं उस औरत के जो राइट्स हैं या एक बच्ची जो कि उसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से पहली चीज़ क्या उसको अपने राइट्स का पता है क्योंकि अगर मैं एक दूसरे एंगल से इस चीज़ को इवेलुएट करूँ तो क्या 90% परसेंट ऑफ द गर्ल्स जो कि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं या यू एम में पढ़ रही हैं क्या वो नहीं चाहती कि आफ्टर गेटिंग द डिग्री राइट आफ्टर गेटिंग द डिग्री दे वुड बी गेटिंग मैरिड इन हैविंग किड्स कितने परसेंट लड़कियां हैं जो खुद से करियर ओरिएंटेड हैं बिल्कुल क्योंकि उनको इस जो अपब्रिंगिंग एक सोशल सेटिंग में हुई है उसमें उनकी एम्पावरमेंट ही ये है कि राइट आफ्टर गेटिंग योर डिग्री

लाहौर शहर कराची शहर और इस्लामाबाद ये उन एरियाज की बात हूँ अभी तो हम थर की वेमेन मतलब कि जो एक्चुअल में उन औरतों के मसले हैं इन औरतों के मसले नहीं हैं बिल्कुल ऐसे ही है हमारे, yes. हमारे पास चले बेसिकली थोड़ी बहुत तो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं यानी yes. कुछ चीज़ें हमारी अप्रोच में आ जाती हैं hmm. मगर वही बात है ना कि जो उस तरफ की औरतें हैं जो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं थर की बात कर रही है तो यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर एक जेंडर इनिक्वालिटी है तो उसको कैसे प्रोमिनेंट कर सकते देखें, हैं? देखें वहाँ की औरतों के मसले तो बेसिक राइट्स पे आ जाते हैं ना उनको तो मैं तो विमेन राइट्स से ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करूँगी वहाँ तो ह्यूमन राइट्स भी पूरे नहीं मिलते सो वी कैन नॉट एक्सक्लूड कि जी मेल्स को वहाँ बहुत राइट्स मिल रहे हैं या फीमेल्स को नहीं मिल रहे वहाँ तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के इशूज आ जाते हैं इसके अलावा जब बात हम करें वेमन एम्पावरमेंट की स्पेसिफिकली तो हमें मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स को देखना पड़ता है हमें इस चीज़ को एज एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लेना पड़ता है किसी भी से जब भी आप किसी से बात करेंगी तो आपको ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लेना पड़ेगा राधा दिन हम इंडिविजल ओपिनियन पर जाएँ क्योंकि पाकिस्तान इतना डायवर्स है यहाँ की औरतें इतनी डाइवर्स हैं यहाँ के लोग इतने डाइवर्स हैं है, कि आप एक स्पेसिफिक डेफिनेशन किसी एक बंदे पे या एक जेंडर पे या एक एरिया की औरत पे उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते सो एजुकेशन में अगर हम औरतों की बात करें तो मेरे ख्याल से तो अभी वेमेन एम्पावरमेंट तो तब होगी जब वेमेन खुद इस चीज़ को एडमिट करेंगी कि उनको इम्पावर्ड होने की ज़रूरत है बिल्कुल सही कहेंगे क्योंकि लोग अभी तक औरतें इस चीज़ से सनाशा ही नहीं है कि उनको क्या चीज़ चाहिए और व्हाट इज़ देयर राइट्स आर आप कितने परसेंट औरतों को आप जो आपके मदर इन लॉज हैं अगर उनका आप कभी सर्वे करें और उनसे पूछें कि जी बहू कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए तो कहेंगी जी डॉक्टर बहू तो मुझे चाहिए लेकिन वो काम ना करे राइट तो यहाँ पर एक औरत जो औरत की दुश्मन वाली बात आ जाती है मैं तो इसको उस तरह से लूँगी क्योंकि एक सीट वेस्ट उस पर जो इतने पैसे लगे वो वेस्ट एनर्जीज़ वेस्ट जो उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स की लगी कितनी चीज़ें इसमें आपकी वेस्ट हुई ऑन द अदर हैंड अगर वही चीज़ एक मेल को मिली होती तो शायद एक इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इकॉनमी डिफरेंट होता hmm. तो ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एम्पावरमेंट किस को कह रहे हैं तो आप जैसे आज मेरे सामने भी एक फ़ीमेल मौजूदा एन जी ओर कॉरपोरेट मैनेजर आपकी लाइफ का को कोई ऐसा स्ट्रगल रहा हो जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द वेमेन तो आपने कभी इस चीज़ को फेस किया और बट दस सक्सेस इज लाइक टूवर्ड्स यू फॉर मी जी सक्सेस इज सेटिस्फेक्शन एटलीस्ट जब मैं रात को सो रही हूँ तो मुझे वो जो सुकून की नींद मिल रही है मेरे लिए वो सक्सेस है और उसके पीछे मेरी एक पूरी स्ट्रगल uh, है पूरी लाइफ की बिकॉज आई आई डोंट बिलोंग टू लाहौर आई बिलोंग टू वेरी बैकवर्ड सिटी आई केम टू लाहौर आई वोज सेंड टू द बोर्डिंग बाई माई पेरेंट्स And then I was here, I was studying at the boarding, I was going to the college, I was going to the university, and then I took it up and I, I took a stand for myself like we were discussing it earlier as well. के graduation, के But again, uh, I am also a part of that caste. Yeah, you understand program. that. You get me, right? So I took a stand for myself. I said, Nay, I'm going to continue with my education. Now I have a foreign qualification, I'm working in one of the best universities of Pakistan. And this is how my struggle is. so for me I have I have done a lot for myself and I believe uh, women empowerment uh, ki jo ek definition meri apni definition hai us pe I am trying to strive for it every day मैम अभी जैसे अभी आपने बात की कि आपने खुद को support किया आपने खुद को वापस remind किया that you don't want to go in the same box yes. like everyone does mm -hmm. मैम आजकल के आ, हम सिनारीज़ में देखते हैं कि मेल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीमेल जो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं तो ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं जिसको तोड़ने के लिए मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स का हेल्प कर सकते हैं लाइक दे कैन हेल्प देम कि अच्छा तुम ना उस तरफ़ फॉल करो कि जहाँ तुम्हारी लाइफ को एक तरह से बंद कर दिया जाए तुम ग्रेजुएशन के बाद डिग्री लेके घर चली जाओ और शादी का सर्टिफिकेट लेके अगले घर चली जाओ देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे हम बात करते हैं मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं सो hmm. so वो आइडियोलॉजी बहुत अच्छी फिट होती है आई वुड सजेस्ट ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी बाय दिस पॉडकास्ट सबसे पहले तो एक लेग पुलिंग का कल्चर को अवॉइड करें और mm -hmm. एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करें रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर ऑफ विच जेंडर डू यू बिलोंग ये चीज़ जब आप डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में भी जाते हैं तो आपको नज़र आता होगा कि uh, कहीं पर वुमेन को बहुत लाइक like किया जाता है कहीं पर मैन को बहुत लाइक like mm -hmm. किया जाता है तो ये चीज़ ये बैरियर्स ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत है वी मस्ट फोकस ऑन 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 द मेरिट रादर दैन गोइंग फॉर द फॉर समथिंग के जी मेरिट को हम निगलेक्ट करके हम जेंडर बेस्ड हायरिंग शुरू कर दें या जेंडर बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर दें द गुड थिंग इज के अब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी वेमेन एम्पावरमेंट एक है और इसके अलावा काम भी इस पर बहुत ज्यादा ऑर्गनाइजेशन ने करना शुरू कर दिया जेंडर इंक्लूजन में कि उन औरतों को हमने अब इंक्लूड करना शुरू कर दिया सो अगेन कमिंग बैक टू द दिमेन इन एजुकेशन अपनी एजुकेशन पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें द वेरी फर्स्ट थिंग डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड यू हैव रिगार्डलेस आप कहाँ से बिलोंग करते हैं दैट डजन मैटर वॉट मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग सो दैट इज द थिंग और उसके बाद गेटिंग इन टू अ मैरिज इज इज इट इट्स अ वेरी गुड थिंग कम्पलीटली इंडोर्स्ड बट यू मस्ट हैव अ करियर इन प्लेस क्योंकि अगर अलग ना करें आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो वो मिसहैप आप फिर अब्जॉर्ब नहीं कर सकती आपकी पर्सनालिटी अगर आप डिग्री के फ़ौर बाद कोई जॉब का एक्सपीरियंस लिए बग़ैर एक शादी में चले जाते हैं और कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस डेवलप हो जाते हैं तो फिर आपको मार्केट में गेट बैक करना थोड़ा सा मुश्किल है सो so, मैं पेरेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट जॉब कराएं ताकि बच्चियों को पता हो कि उन्होंने अगर कल को कुछ हो जाता है या अगर कल को नहीं भी होता कोई फाइनेंशियल क्रांच आ जाता है तो आपको पता हो कि आपने सर्वाइव कैसे करना है बेल क्योंकि पाकिस्तान की इकोनमी तो अब बैटल ऑफ सर्वाइवल बन जाएगी बिल्कुल ऐसी अच्छा अभी हमने पेरेंट्स का हवाला दिया है तो आपको क्या लगता है कि इस सब चीज़ में ये जो हमारे को है ना हैश टैग लोग क्या कहेंगे वो जो पेरेंट्स बहुत यूज़ करते हैं अपनी बेटियों की एक तरह ना उनको डोमिनेट करने के लिए कि हमारी बेटियाँ इस बात को सुन के दब जाएंगी और मोस्टली लड़कियाँ दब भी जाती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं हमें हमारे पेरेंट्स को देखना है और वो अपना करियर इवेंचुअली उन लड़कियों का एकेडमिक एक्डेमिकरियर बहुत हाई रहता है वो ए प्लस ग्रेड्स लेने वाली होती हैं और बाद में वो ना वो जो एक हैश आ जाता है ना उसके पीछे लग गए वो अपना जो सक्सेसफुल करियर है वो तबाह कर देते हैं आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट होना चाहिए सबके अंदर देखें ये हैशटैग तो रहेगा हम्म Uh, के लोग क्या कहेंगे लेकिन आई थिंक लोग क्या कहेंगे अगर इसने डिग्री के बाद जॉब नहीं की ये होना चाहिए लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बेटी ने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद अपनी उस डिग्री को यूटिलाइज़ नहीं किया लोग क्या कहेंगे कि अगर उसने बैचलर्स में इतने अच्छे मार्क्स लेके मास्टर्स के लिए फ़ॉरन क्वालिफ़िकेशन के लिए वो नहीं गई ये क्वेश्चन होने चाहिए कि लोग क्या कहेंगे रादर देन लोग क्या कहेंगे क्योंकि ये अगर कुछ चीज़ें अल्लाह तला पर भी छोड़नी चाहिए कि शादियाँ और ये सब चीज़ें ये नसीब की चीज़ें होती हैं बट यू मस्ट ट्राइव फॉर फॉर अ लाइफ स्टाइल फॉर अ बेटर करियर इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट द मनी इट्स अबाउट सेल्फ सैटिस्फेक्शन क्योंकि मैंने अभी तक मेजोरिटी केसेस जो देखे हैं उसमें जिन लड़कियों की मेरे सर्कल में अगर मैं बात करूँ शादियाँ राइट आफ्टर गेटिंग द डिग्री हो गई हैं इस टाइम पर वो डिप्रेशन पेशेंट्स हैं Hmm. they have that marriage certificate with them they have the kids with them but now they are depressed just because they don't have a goal in their life जिसको वो achieve करना चाह रहे बिल्कुल ऐसे ही फिर we have to see कि कहीं कुछ मसला तो है ना कोई प्रॉब्लम तो है वो प्रॉब्लम क्या है वो हमें खुद एड्रेस करने की जरूरत है लेकिन पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि यहाँ पर लोग समझाने से नहीं समझते दे लर्न द हार्ड वे सो दे इफ दे दे वांट टू लर्न द हार्ड वे इट्स अप टू देम लेकिन अगर आप अब इस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे और आप सेंसिबली सोच लेंगे कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव करना है ये मेरा गोल है एंड इवन इफ यू वॉन्ट टू डू इट अलॉन्ग साइड द मैरिज मैरिज एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स तो इनको मिक्स नहीं करना चाहिए करियर फोकस ज़रूर हो जाए विमेन शुड फोकस ऑन देयर करियर क्योंकि इस टाइम पे उनको खुद को नहीं पाकिस्तान को बहुत जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत जरूरत है अगर हम इसको बिल्कुल वो uh, अगेन अगर एक मेजॉरिटी के ओपिनियन या मैक्रो लेवल पे चीजें देखना शुरू करें तो मुझे बताएं इकॉनमी कहाँ जा रही है और हमारे कितने परसेंट यहाँ पे फीमेल्स हैं ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट से ज्यादा हमारी फीमेल्स हैं तो अगर वो सबकी सबको आप घर बिठा दें तो फोर्टी फाइव परसेंट मैन कितना बेचारे काम कर लेंगे तो उन उनपे बर्डन ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा फिर जब उन जो बर्डन ज्यादा आएगा तो उनका बॉस की जब वो डांट खा के आएंगे तो घर आके डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज भी होंगे जब डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज होंगे तो मेंटल हेल्थ इशूज होंगे और मेंटल हेल्थ इशूज होंगे तो अगली जनरेशन का दिमाग खराब होगा बच्चों का भी दिमाग

जैसे तो स्टडीज की कोई पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट ही तो चेंज करना है पे uh, शादी की कोई एज नहीं होती स्टडीज की कोई एज नहीं होती अगर आप 60 के एंड यू फील लाइक कि मुझे मैट्रिक के एग्जाम्स में बैठना है क्योंकि मेरे पास नहीं है वो डिग्री तो आप बैठो अगर आपको लगता है कि एट द एज ऑफ ट्वेंटी यू फील लाइक दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल इनाफ एंड यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन यू तो आप यू गेट मैरिड एट द एज ऑफ ट्वेंटी सो इट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं आप उस चीज़ को जरूर ऑप करें चाहे वो क्लिक होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए शोर होना बहुत जरूरी है मैम आज के जो वेमेन् मैसेज के जो औरतें इस तो कहते ना कि बिटवीन द टू मैरिज वो जो ऐसे ऐसे डोल रही हैं कि हम शादी करें या हम कैरियर प्रस्यू करें तो उनके एक मैसेज आप जो कन्वे करना चाहें ताकि कुछ मेरे लिए भी इन फ्यूचर कभी क्लियर हो सके कि कभी अगर मैं भी इस चीज़ की भूल भुलाइया मैं चली जाऊँ कि अच्छा <laughs> मुझे शादी करनी चाहिए देखिए आई वुड सजेस्ट कि टेक अ वाइज डिसीजन एक साइड चूज़ कर लें और फिर उसके साथ स्टिक रहें अपने डिसीजन को ओन करें वेदर uh, इट्स your marriage और वेदर इट्स योर करियर वैसे तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड भी चलाई जा सकती हैं ऐसा hmm. कोई मसला नहीं है लेकिन मैरिज इन पाकिस्तान एक ख़ुद इट्स एक बहुत बड़ा आपके Task. सर पर टास्क मिल जाता है आपको तो आपको अगर आपको शादी करनी है तो यू मस्ट भी रिस्पॉन्सिबल इनाफ़ एंड यू मस्ट भी गेटिंग रेडी फॉर वट एवर द and एंड यू नो द डाउन is मैरिज इज ब्रिंगिंग एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ यू चूज़ योर करियर तो उसमें देख लें द ओनली एडवाइस फ्रॉम मी इज़ चूज यूर से बिल्कुल थैंक यू सो मच मैम कि आज आपने इतने मज़दार टॉपिक में बात की और इन दी एंड बड़ी मज़ेदार उन्होंने एक बात की कि जब भी आपको फैसला लेने लगे जस्ट फोकस ऑन योर कम्फर्टेबिलिटी कि आप किस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा स्पेशली फॉर द वमेंस तो देखते रहिए यूएमटी टी वी अल्लाह हाफिज